जैसे कि आप सबने अभी देखा कि अदी अदी स्टूडेंट द्वारा जो कि दो घरे यहाँ बोलेंग बोलें के जो दो घरे चार तारीख को जल के राख हो गई थी उनको इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल्स अदी अदी स्टूडेंट यूनियन द्वारा सप्लाई की किया जा, जा रहा था अभी जैसे कि आपने आप सबने वीडियो पर देखा सबसे पहले स्पीकर सर आपको स्वागत है हमारे चैनल थैंक यू और स्पीकर सर ये भी जानना चाहेंगे कि जो जो ये है जो आप लोगों ने जो आज इमरजेंसी जो रिलीफ मटेरियल आप, आप लोगों ने जो दो गर को सप्लाई किया है उसके विषय में आप आपसे थोड़ा विस्तार से सुनना चाहेंगे सर तो हम लोग का तीम आदिशू का सोच ये है सर्विस तो मैन इज सर्विस तो गौ तो हम लोग उसी विषय को लेते हुए जो इसमें दो पाबोगे जल गया है तो एक का तो पूरा जल के राख हो गया दूसरा को जबरदस्ती बचाया है तो हम लोग जस्ट उसका हम लोग उसका दुख में तो हम लोग भागीदार बनना चाहते हैं एज ए तीम आदिशू और एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आदि कम्युनिटी हम लोग का जस्ट ये कोशिश रहता है कि कहीं भी आग जलता है या किसी आदि में किसी को भी तकलीफ पहुंचता है तो चलो उसमें थोड़ा तो हम लोग भागीदार बनने का कोशिश करता है थोड़ा तो उसका दुख को बांटने का कोशिश करता है तो उसी उसी मोटिव से हम लोग यहाँ पे आज जो बॉलिंग टाउन में आया है तो फिर यहाँ में हम लोग को यहाँ में आके जब जो जिसका घर जल गया है ये दोनों से हम लोग को इंटरेक्ट करके पता चला है कि जो इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट डी डी से जो इमीडिएट रिलीफ मटेरियल मिलना चाहिए था वह शायद अभी तक तो नहीं मिला है तो हम ये आपका भूमि का न्यूज़ चैनल का माध्यम से डी डी एम ओ बॉलिंग और डी सी बोलेंगे सबसे और जो हमारा दो विधायक खासकर सियांग डिस्ट्रिक्ट का श्री ओजिंग तासिंग और श्री तालम तावो सर से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जितना हो सके वो सब पॉलिटिकल अपेनिटी से हाट के एज ए ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड में भी आप दोनों भी आके यहाँ में विजिट करने और जितना बॉलिंग का ड्वेलर से और जितना सोसाइटी यहाँ पे है सबसे हम रिक्वेस्ट करेगा कि एज ए टीम आदि से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी हो सकता है उसका दुख में तो हम लोग को साथ देना है उसका घर तो जैसे तैसे अभी तरह उसका टेम्पोर उधर बना के रख दिया है उसका घर दे से तो हम लोग नहीं बना दे सकेगा लेकिन उसका अभी दुख का समय में हम लोग को सबको एक उसका हेल्पिंग हैंड करने उसका है हौसला बढ़ाना है और हम लोग को उससे जब इंटरेक्ट करके जब मालूम हुआ तो दीदी एम ओ जस्ट इमिडियत रिलीफ मटेरियर का नाम में एक बैग चावल और कुछ सब्जी दिए आलू या दाल कुछ दिया है बोले तो हम लोग दीदी एम से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जो आपका पास में जो प्रोविजन है आपका पास जो दीदी एम का पास जो इमिडियत रिलीफ मटेरियर के लिए जो फ़ंड होता है जो आपको स्टेट गवर्नमेंट से सेंशन करके आता है उसको आप जल्दी से जल्दी ये जिसका घर जल गया है उसको आप देना है ये रही ये वो रिलीफ वाले बात तो सर आज आप लोगों ने कौन कौन सी ऐसे मेटेरियल्स जो दो घर घर दो को आप लोगों ने कौन कौन सी मटेरियल्स प्रोवाइड किए रिल एमरजेंसी रिलीफ के, के तो हम लोग एज ए आदि स्टूडेंट यूनियन हम लोग तो हम लोग का पास कुछ पंत जैसे डीसी का पास डी डी एम ओस का पास होता है ऐसे तो कुछ होता नहीं हम लोग का जो जितना हम लोग कर सकें है ब्लैंकेट दिया है बर्तन दिया है थोड़ा चावल दिया है दाल दिया है नमक दिया है और बर्तन ताली वगैरह जो दिया है ये सब हम लोग टीम आदिश जो हम लोग का प्रेसिडेंट जर्बो जामो का इनिशिएशन से जो भी किया है हम लोग खुद वॉल्टियरली सब कंट्रीब्यूट करके जितना हो सके हम लोग उसको प्रोवाइड कर सके सो डेट की कुछ अभी उसका जिसका सब कुछ जल चुका है सबका बर्तन जल गया जिसका ताली जल गया हम लोग उसका पास जो पहले से था तो हम लोग तो इतना तो उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते एज एजेंट इमीडिएट रिलीफ के लिए हम लोग इतना ही सामान दे पाया है चलिए ये रही अधीशु वाले बात क्योंकि ये अधीशु द्वारा एक तरफ हम ये भी सोचेंगे कि अधिसीशु द्वारा एक अच्छी स्टेप उठाया गया है क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जहाँ गेक ऊपर लगभग आठ आठ नौ घरें जो जल के राग हुए थे तो उस उस पर भी अधीशु द्वारा जितना हो सकता है उस उस उन्होंने कोशिश की ये अच्छी बात है और हमारे साथ अभी जो दो मालिक है जो जिसका घर जल जल गया था उसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं सर आपका नाम जाना चाहिए मेरा नाम तनाव पाप सर आपको आप दो आप दोनों के घर झड़ने के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी तरफ से कौन कौन सी रिलीफ आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है इमरजेंसी इमरजेंसी रिलीफ हम लोग को इमरजेंसी रिलीफ दिया है ये एक, एक बैग चावल और ये आलू दो किलो और ये मीठा तेल एम ऑयल एक लीटर और ये एक और क्या थोड़ा कुछ दिया है यानी एक बैग चावल और आलू दो किलो और एक एम ऑयल बोटल शायद उसके बाद वन लीटर कोई यहाँ के आप लोगों की स्थानीय विधायक के द्वारा यहाँ पर आप आप लोगों पर कोई यहाँ देखने को नहीं आया वो भी दिया है चलिए पो, लेकिन हाँ हाँ देखा तो नहीं है पैसा तो दिया है तो चलिए लेकिन मैनेजमेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, की तौर पर अब तक सिर्फ एक एक बैग चावल और दो किलो आलू दिया गया है ऐसा कहता है तो अपील हमेशा यही रहेगा कि हित हमेशा पब्लिक के आम जनता के लिए होनी चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अनुरोध करते हैं कि जितना हो सके जितना जल्द हो सके उसका प्रावधान क्या है एक जरे हुए जले हुए घर को उनको रिलीफ देने की प्रावधान क्या है वो जल्द से जल्द इन दो दो घर दो घर को प्रोवाइड किया जाए ऐसा अपील रहेगा हमारे टीम अरुण भूमि यही हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे प्रदे, प्रदेश के कोने कोने पे चल रहे खबर को आप तक पहुंचाओ और आप लोग देखते रहना और बने रहना स्पीकर uh, सर अभी जैसे सुनने को आया है कि आप लोगों ने डी डी ऑफिस आके दो आ, कुछ मेमोरेंडम कुछ आ, कुछ डिमांड दो डिमांड रखी जो मेमोरेंडम आप लोगों ने सबमिट किया है सुनने को ऐसा मिले तो वो 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 उन आ, जो मेमोरेंडम था, था वो उन किस किस विषय पर था वो आपसे सुनना ये हम लोग जो आज हम लोग टीम आदिशू सियांग डिस्ट्रिक्ट बॉलिंग में हम लोग दो मुद्दा से आया है एक तो जो उस दिन चार तारीख को जो फायर जो फायर इंसिडेंट हुआ था उसको थोड़ा तो रिलीफ देने के लिए रिलीफ मटेरियल देने के आया और दूसरा हम लोग यह आया है डी मैडम को जो हम लोग यह टू पॉइंट मेमोरेंडम आदिशू का साइड से सबमिट करने के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली डी मैडम ने और ऊपर से यह सियांग डिस्ट्रिक्ट डी ऑफिस का हालत इतना ख़राब है इतना खराब है एक दंग का जो एक मेमोरेंडम जो कभी स्टूडेंट यूनियन आके सबमिट करते हैं उसको रिसीव करने वाला स्टाफ भी नहीं ये है ये तुतेली फेलर है डीडीएससी मैडम का तो हम लोग का रहा सवाल यह मुद्दा में आता है हम लोग टू पॉइंट मेमोरेंडम हम लोग सबमिट किया है लास्ट टाइम जो हम लोग टीम आदिशु का जो स्कूल गिलाजू को लेके लेते हुए हम लोग हर स्कूल में विजिट किया हर एवरी डिस्ट्रिक्ट का हर एवरी नॉक एंड कॉर्नर स्कूल में विजिट किया है तो हम लोग को उसमें जो कमियाँ जो स्कूल को विजिट करते हुए जो कमी हम लोग को महसूस किया हुआ है नॉट ओनली डी डी एस सी सियांग हम लोग डी डी एस सी अपर सियांग जितना आदि इनहेबिटेड एरिया का जितना डी सी को है डी डी एस सी को हम लोग सबको सबमिट किया है ये सेम टू फोन मेमोरेंडम हम लोग का मेमोरेंडम ये है कि रेशनलाइजेशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ स्कूल टीचर जैसे कि रेशनलाइजेशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ स्कूल टीचर ने किया है जो बहुत सा स्कूल है जो डिपंग में दिफांग है जो नॉन फंक्शनल है इंटर आदि वेल्थ में तो उसमें क्या करता है यहाँ से टीचर उधर पोस्टेड करके रख देता है वह वो स्कूल दीपंग है और जो स्कूल चल रहा है उसमें टीचर का कमी है तो उसका चलते हुए हम लोग ये उसको मेमोरेंडम दिया है कि जो जो स्कूल में दीपंग वाला स्कूल का जितना टीचर है जो उसको पोस्टेड करके रखा है उसको वापस आके हम जो स्कूल चल रहा है जो रनिंग में है उसमें जितना टीचर है उसको पोस्टिंग करना है और दूसरा मेमोरेंडम है डेमारकेशन ऑफ स्कूल बाउंड्री एंड वन टाइम रिवेन्यू वन टाइम लैंड रिवेन्यू पेमेंट तो हम लोग यह खासकर सियांग डिस्ट्रिक्ट में जब अगर देखा जाने से यहाँ से वाइस प्रिंसिपल का कौतर, कौतर का अंद... क्वातर को पब्लिक लुक आके ओकुफाई करता है प्रिंसिपल का कोतर को, को आके पब्लिक लुक यहाँ पे ओकूफाई करता है तो सो देत कि उसको लेते हम लोग यहाँ डी डी मैडम को ये मेमोरेंडम देते हैं कि जितना स्कूल का बाउंड्री है उसको प्रॉपर मैपिंग करना है और वन टाइम रेवेन्यू फेड करना है सो देत कि अगर कोई भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए कुछ आता है तो जितना जो पब्लिक जो है स्कूल का जितना जमीन है उसको ओकुफाई कर रहा है उसका चलते हुए कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है तो हम लोग यही दो पॉइंट मेमोरेंडम सब्मिट करने के लिए डीडीएससी सियांग का ऑफिस में आता लेकिन अनफॉर्चुनेटली डी डी एस सी सियांग नहीं है ऑन ड्यूटी में है ना ऑफ ड्यूटी में मालूम नहीं लेकिन वो कभी रहता भी नहीं हम लोग जब भी आता है तो हम उसका सब ऑर्डिनेट का हाथ में तो हम लोग दे दिया तो अगर उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे अगर ये हम लोग का दो पॉइंट सत्तर अब डिमांड का अगर मेमोरेंडम का अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो फर्दर स्टेप हम लोग कुछ भी कर सकता है और ये सब जितना इंटर आर बेल का पब्लिक को बता रहा है और जितना सियांग का जितना पब्लिक है सबको बता रहा है थैंक यू